कानपुर महानगर के थाना चकेरी अंतर्गत अहिरवा इलाके में इलेक्ट्रॉनिक बस ड्राइवर सुरेंद्र पाल की बीते दिन मौत हो जाने के बाद परिजनों ने अहिरवा स्थित इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो के गेट पर शव रखकर मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित परिजनों के सहयोग में पूर्व सांसद राजा राम पाल, पार्षद मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के नेता गिल धरने पर बैठे हैं और मृतक परिजनों के मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिवार वालों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक सुरेंद्र पाल के भाई श्याम बाबू पाल ने बताया कि सुरेंद्र पाल 17 जनवरी को अयोध्या में लोकार्पण प्रभु से राम मंदिर में भक्तों को दर्शन करने के लिए स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी और निर्धारित समय से दोगुनी ड्यूटी सुरेंद्र पाल से करवाई जा रही थी, जिसको लेकर मृतक सुरेंद्र पाल की तबीयत खराब हो गई और उपचार के लिए पहले अयोध्या, उसके बाद लखनऊ के राम मनोहर लोहिया में भर्ती कराया गया। उचित इलाज न मिल पाने के कारण परिजनों ने सुरेंद्र को कानपुर के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इलेक्ट्रॉनिक बस ड्राइवर सुरेंद्र पाल की मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि 24 घंटे के ऊपर हो जाने के बावजूद भी मृतक सुरेंद्र पाल के परिजनों से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बस के आला अधिकारी मिलने नहीं आए और ना ही मृतक आश्रित के भरण पोषण जीवन यापन के लिए मुआवजे की घोषणा की, जिससे आक्रोशित होकर कि परिजनों ने इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो के बाहर शव रखकर धरने पर बैठ गए हैं और मृतक सुरेंद्र पाल के परिजनों के साथ में पूर्व सांसद राजा रामपाल, समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव और गिल भी धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि वह जब धरने पर बैठे रहेंगे जब तक आला अधिकारी 10 लाख रुपए मृतक अस्तित्व को मुआवजा और जीवन यापन के लिए धनराशि नहीं देंगे, तब तक शव के साथ धरने पर बैठे रहने को मजबूर होंगे। वहीं भारी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो पर पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया गया है, जिससे कोई बवाल या हंगामा ना हो सके। वहीं मृतक के भाई का भी कहना था कि जब मृतक सुरेंद्र पाल कानपुर से अयोध्या स्पेशल ड्यूटी के लिए गया था तब बिल्कुल स्वस्थ और ठीक था, लेकिन समय से अधिक 18 से 20 घंटे ड्यूटी कराकर खाने पीने की समुचित व्यवस्था ना होने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। वहीं मृतक सुरेंद्र पाल की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा नाम श्याम बाबू पाल है। घटना ये हमारा पारिवारिक भतीजा है, ये इलेक्ट्रिक बस डिपो में ड्राइवर पद पर कार्यरत था, इस समय स्पेशल ड्यूटी अयोध्या में था। ये यहाँ से घर से 16 तारीख को गया है, छुट्टी आया हुआ था 16 तारीख को। जब यहाँ से गया तो 21 तारीख को इसकी अचानक तबीयत ख़राब हुई वहीं पर, तो वहाँ से अयोध्या में भर्ती कराया। जैसा भी ट्रीटमेंट मिला मुझे नहीं जानकारी, वहाँ से फिर ये लोग लेके आए यहाँ लखनऊ राम मनोहर लोहिया, वहाँ पर भी इनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिला, तब हम लोग कानपुर लाए। कानपुर लाने के बाद में हमने कार्डियोलॉजी भर्ती रखा, जो कि 26 तारीख तक इनका इलाज चला। 26 तारीख रात 9 बजे इनकी डेथ हो गई। फिर इसके बाद हमने कर्मचारियों को सूचना दी, तो कर्मचारी बस यही कह रहे हैं कि बस ठीक है भैया, मैं आता हूँ करके कल शाम से 26 तारीख रात 9 बजे से अभी तक 27 तारीख आज 6 बजने जा रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई मतलब अधिकारी आया, ना कोई कर्मचारी बात कर रहा है हमसे। कम से कम ये बच्चे हैं, इनके लिए मैं कुछ चाहता हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, कैसे क्या होगा, इनको कौन परवरिश करेगा, कौन क्या। आपके यहाँ कार्यरत था, आप कम से कम सिंपैथी तो जता सकते थे। ये क्या मतलब कि मैं बस सांत्वना दे रहे आ रहा हूँ अभी तक कोई नहीं आया। अगर कोई नहीं आता है तो क्या करेंगे आप? नहीं आता तो फिर उचित कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे, कदम उठाएंगे, फिर क्या करेंगे। क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं? मांगे हमारी कुछ नहीं है, बस वो आके सामने बात करें, उनसे उचित मतलब न्याय चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। बच्चों के लिए हमें मतलब कुछ कर दें और क्या चाहिए हमें। जी सर बताएं। आज यहाँ डिपो पर हम लोग कल से 6 बजे से सुरेंद्र कुमार पाल पुत्र बलबीर पाल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बस लेकर के अयोध्या गया था, वहाँ उसकी तबीयत बिगड़ी। पहले उसको अयोध्या अस्पताल में ले जाया गया, फिर अयोध्या अस्पताल से लखनऊ राम मनोहर लोहिया में ट्रांसफ़र किया गया। राम मनोहर लोहिया में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसको कार्डियोलॉजी कानपुर भेजा गया, जहाँ उसकी कल सुबह डेथ हो गई थी, परसों शाम। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम करके हम लोग यहाँ आपको उसके मुआवजे, पीड़ित परिवार के मुआवजे के लिए रात भर धरने में बैठे। प्रशासनिक अधिकारी भी, ADM सिटी भी आए हैं, CO भी आए हैं, बातचीत चल रही है। इनको उचित, हमारी
इस पक्ष से रखा गया है कि 10 लाख मुआवजा, विधवा को पेंशन और बच्चों को जब तक वो 18 साल के न हो जाए उसके लिए सरकार की एक स्कीम है, शिक्षा के लिए 4000 रुपया मिलता है वो मिले। लगभग कितने घंटे हो गए आपको यहाँ इस समय? 16 घंटे हो गए। अधिकारियों तरफ अभी तक क्या बोलूँगा? अधिकारी लगातार संपर्क कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर हल करके बताने के लिए कहा है, तो अभी वो आपको ब्रीफ करेंगे क्या तय हुआ। ये सुरेंद्र था, ये परमानेंट था या संविदा पे था? 3 साल से 2 साल से था नौकरी पे, था 2 साल से। संविदा पे था या परमानेंट था? संविदा पर होगा, प्राइवेट कंपनी है, संविदा पर होगा, परमानेंट क्या है?